मोहतरम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जफर इकबाल और आप देख रहे हैं जफर टेक टीवी। गैज, आज हम एक और कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस कोर्स में हम सीखेंगे कि आप दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करके किस तरह से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स किसको कहा जाता है और बेसिकली दराज क्या है। ये लेक्चर, आज का लेक्चर, दराज फुल कंप्लीट कोर्स इन उर्दू का इंट्रोडक्शन लेक्चर है और हम सीखेंगे कि दराज में आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है, उसको वेरीफाई किस तरह से करना है, दराज के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह से उसको पब्लिश करना है, लगाना है और उसको सेल किस तरह से करना है। इसका कंप्लीट स्टार्ट से लेके आपकी अर्निंग तक का मुकम्मल कोर्स आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉमर्स क्या है? कॉमर्स बेचने और ख़रीदने के अमल को कॉमर्स कहा जाता है। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप उसको बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं लेकिन उसमें आप इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं तो वो ई कॉमर्स कहलाएगा। अभी बात करते हैं कि दराज क्या है। बेसिकली दराज एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि ग्राहकों को प्रोडक्ट्स और चीज़ें ख़रीदने की सहूलत मुहैया करती है, जबकि बिजनेसमैन और सेलर्स को, दुकानदारों को चीज़ें बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक जगह मुहैया करती है। लेकिन इसके साथ ही वो उस चीज़, उस प्रोडक्ट की जो फरोख्त हो रही है उसकी कीमत में से एक मुख्तस हिस्सा दराज खुद रखता है। सो आज का लेक्चर दराज के बारे में था कि दराज किस तरह से काम करता है और इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे कि दराज के ऊपर आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, सेलर अकाउंट को आपने वेरीफाई किस तरह से करना है और आपने इसमें अपनी प्रोडक्ट्स को लगाना, सेल करना और अर्निंग कैसे जनरेट करनी है। अगर आप जफर टेक टीवी को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और हमारी यूट्यूब फैमिली का बन जाएं हिस्सा।